वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली बज रहे हैं 8:05 बजे उठे हैं। धीरे धीरे करके क्योंकि हमने सामान वामान सब पैक कर लिया। अब बाइक भी अपनी अब तैयार खड़ी है, बाइक बांध दिया, सब कुछ कर दिया। मिट्टी बहुत लगी हुई है बाइक में, दबा के पूरी दबा के मिट्टी लगी हुई है। बस अब यहाँ से निकलने जा रही है। मौसम देखो कितना कैड़ा हो रहा है ना, जहर हो रहा है मौसम, बिल्कुल जहर मौसम हो रहा है। और यहाँ से निकलेंगे, आगे चल के पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद आगे की तैयारी बनाएंगे। रेनकोट ऑन कोट सब पहन के रखा हुआ है हमने टोटली, रेनकोट उतारा ही नहीं है। ये हमारा होटल था आशीर्वाद, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। 800 रुपये दिए हमने एक रूम के। और अब निकलते हैं यहाँ से, बस जैकेट पहन लूँ, निकलते हैं और गोली होकर सीधा बाहर, क्योंकि जल्दी आज बद्रीनाथ पहुँचना शाम तक, ताकि अगर होगा तो दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं। हमारा एक बंदा पीछे अभी आ रहा है, कल दिल्ली से हमारे से लेट चला था 6 घंटे, तो अभी वो शिवपुरी रुक गया था रात को, वहाँ को अभी पकड़ लेगा वो जब तक हम ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी निकलते हैं और बाइक को टाटा। जब मन करता था चालू करता हूँ, सुबह से मतलब नहीं, जब मन करता था चालू करते हैं ना। हाँ कुछ था तो नहीं है, हाँ फोन वोन सब ले लिया, पैसे नहीं दिए, पैसे तो दिए नहीं। चलो लेट्स मूव गाइस, फाइनली इधर से उतरो ना बाब, उधर से मत उतरो ना। अच्छा निकलने की तैयारी, सो निकलने की तैयारी हो चुकी है हमारी। अब यहाँ से निकल रहा जा रहा हमारा, और पहले करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद आगे की तैयारी बनाएंगे जो भी बनेगी हमारी। देखते हैं आज कहाँ तक है, कि हमारा ये टारगेट है कि हम अपना बद्रीनाथ जो है 2 बजे तक पहुँच जाएँ। 8:11 हो रहे हैं, यहाँ से गूगल बाबा दिखाते हैं 6 घंटे बद्रीनाथ के, मतलब वही लगा लो कि 3 बजे तक गूगल बाबा कह रहे हैं कि पहुँच जाओगे आप लोग, बाकी का पता नहीं। मौसम तो कैड़ा हो रहा है कैड़ा, थोड़ा थोड़े सूर्य देवता जी आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं सूर्य देवता जी, प्रकट हो ये हमारे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे बादल ही बादल नीचे आ चुके हैं, और एक और नई जर्नी की और तैयारी हो चुकी है हमारी। चलो जय हो, जय बजरंगबली, रहम करना हमारे पे, हिम्मत देना, सारी राइड अच्छे से सफल पूर्वक हो जाए हमारी। चीटो डेथ पे था, चीटो डेथ पे था, चीटो अल्टीमेट है, अल्टीमेट बहुत ही बढ़िया। सूर्य देवता भी प्रकट हो चुके हैं, बस ऐसे ही मेहरबान रहे। क्या वेदर है यार, मज़ा आ गया, अल्टीमेट मज़ा ही आ गया भाई, तो सारा टोटली ऐसी जगह पे ना बाइक चलाने का ना मज़ा ही अलग है भाई। बच्चा खेल रहा है ऊपर बैठ के, सेल्फी स्टिक से वीडियो बन रही है, मज़ा दे, बच्चा आनंद ले रहा है इस जगह के, बहुत प्यारा यार, मज़ा आ गया देख के यार, अल्टीमेट व्यू है अल्टीमेट। और हमने वहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, वो जा रहा रोड, वो नीचे रोड जा रहा है, वहाँ पूरा जाना है हमने रोड पे, मस्त है भाई मस्त, कुछ भी कहो मज़ा आ गया। मतलब जिस चीज़ की सोचा था ना वही चीज़ हुआ है, बादल एकदम नीचे भी मिल जाएंगे हमारे को, स्वच्छ पेयजल, बढ़ते चलो वीर तुम बड़े चलो। यार तो बहुत सारा पानी है यार, अच्छा डैम है ना, वो तो इतना पानी कहाँ से आ गया इतना ऊपर, यार डैम है इसलिए पानी इतना, लेकिन व्यू यार बहुत प्यारा है, अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट मज़ा आ गया देख।
फाइनली गाइस हम लोगों ने कर लिया है अपना, कहते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, और अब निकलने की तैयारी हो चुकी है हमारी। यहाँ से अब सीधा आगे रुद्रप्रयाग हम रुकेंगे, रुद्रप्रयाग से आगे फिर अपना चलेंगे मुड़ेंगे करण प्रयाग के लिए। और लेट्स गो, कितने बज गए, 9:57 हो गए, पानी घुस गया अंदर, गंदा हो गया, 9:57 हो गए, 10 बज गए। हमारा यह है कि हमने 2-3 बजे बद्रीनाथ क्रॉस कर देना, अगर बद्रीनाथ अगर हम पहुँच जाते हैं आज तो हमारी कहानी बहुत समझ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। 2-3 बजे अगर बद्रीनाथ पहुँच गए तो आराम से रेस्ट करेंगे, टेक अ चिल, बाकी बड़े चलो और क्या दिक्कत है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बड़े चलो। अब थोड़ा थोड़ा सा गर्मी भी लगना चालू हो गई है, बारिश अच्छी बात है, बंद ही रहे तो बढ़िया, थोड़ा मौसम खुल जाए, भगवान की कृपा बनी रहे, मज़ा आ रहा है। ऐसे राइड का थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मज़ेदार। रेन लाइनर नीचे वाला पहना हुआ मैंने, वार्मर अपना कहते हैं मेरा थोड़ा सा रेन लाइनर वाला, बहुत बढ़िया टैंक। और हम ये पहुँचे रुद्रप्रयाग, अबे गलत आ गया मैं तो यार, ये यही है, सही आया हूँ गलत आया हूँ ये पता नहीं चल रहा, हाँ यही है सही आया हूँ, सही आया हूँ, बद्रीनाथ के लिए यही रोड जा रहा है। रुद्रप्रयाग फाइनली रुद्रप्रयाग पहुँच गए हम लोग, बाप रे, ये तो काफ़ी बड़ी मार्केट है यार, बहुत बड़ा शहर है रुद्रप्रयाग, देख रहे हो हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है रुद्रप्रयाग में, आप आओगे तो आपको हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल मिल सकती है यहाँ पे रुद्रप्रयाग में, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। लो जाम शुरू हो गया, अब है तो बहुत लंबा यार रुद्रप्रयाग, यहाँ से रास्ता पीछे से कट गया केदारनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए वहाँ से अपना लेफ्ट कट गया और बद्रीनाथ के लिए सीधा आ गया, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के लिए यहाँ से आ जाओ माना के लिए, और केदारनाथ के लिए वहाँ से रास्ता कट गया। अब केदारनाथ वहाँ से आई थिंक मेरे हिसाब से होगा 110 किलोमीटर होगा कुछ केदारनाथ, और ये बद्रीनाथ है अभी भी यहाँ से 150 किलोमीटर, 10 बज गया, अब लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गए हम, अगर 110 किलोमीटर कवर करना है तो थोड़ा तेज़ी दिखानी पड़ेगी हमारे को जल्दी से जल्दी, क्योंकि आगे हनुमान चट्टी मंदिर भी आएगा, वहाँ भी हमने दर्शन करने हैं, बनाए रहो और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत है यार, बहुत बड़ा है, देख रहे हो हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, हर चीज़ की मार्केट इतनी बड़ी है यहाँ पे, देखो ये रहा ना बद्रीनाथ 157 किलोमीटर, और हरिद्वार 164, ऋषिकेश 38, अच्छा यहाँ से नीचे से रोड आ रहा है, मतलब वो उधर से आ रहा होगा ना केदारनाथ वाला रोड जो होगा वो आ रहा है। जोशीमठ अभी भी 113 किलोमीटर है, और केदारनाथ 89 किलोमीटर है, बस मेरे को लगा 100 किलोमीटर होगा, बहुत कम है। केदारनाथ और उत्तरकाशी 42 किलोमीटर, उत्तरकाशी नहीं है गुड काशी है वो, मतलब रुद्रप्रयाग जो है सबसे मेन है बड़ा मंदिर, उसके बाद सारे अपना छोटे हैं, मतलब शहर मंदिर नहीं सॉरी शहर, मतलब रुद्रप्रयाग बहुत बड़ा है। बद्रीनाथ के लिए सीधा चलना अपने ने, और केदारनाथ के लिए नीचे जाना था अपने ने, हमारे बंदे पता नहीं कहाँ रह गए यार, बंदे पीछे रह गए हमारे काफ़ी। बैंकॉक सा हर चीज़ की मतलब फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, हरिद्वार श्री बद्रीनाथ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ फिलिंग करा ही लूँ क्या यार, नहीं तो जोशीमठ भी तो पेट्रोल पम्प मिलेगा ही मिलेगा, जोशीमठ फिलिंग करा लूँगा, अगर जोशीमठ फिलिंग कराता हूँ तो मैं ये मेरे को वापसी आके अपना क्या कहते हैं फिर तेल भराना पड़ेगा वापसी जोशीमठ, क्योंकि जोशीमठ यहाँ से 113 किलोमीटर है, तो ये लगा लो 100 किलोमीटर बाइक चलानी है, रास्ते में जो सा पेट्रोल पम्प मिलेगा आधी टंकी होने के बाद, आधी टंकी में लगा लो कमी है, मतलब कल भी पूरी भरवाई थी, 100 किलोमीटर मतलब आधी टंकी ख़त्म ही होगी, मतलब पहाड़ों में मतलब ज़्यादा तेल भी रही है हिसाब से, तो हाईवे में कम तेल भी रही थी मेरी गाड़ी, और यहाँ से टोटली ऑफ रोड चालू हो चुका है। अब केदारनाथ तक तो रास्ता ठीक है, लेकिन ये वाला तो पूरा ऑफ रोड ही से ऑफ रोड भरा पड़ा है। चलते चलो, बंदे आ गए हमारे भाई पीछे आ गए, चलो अब हिमालयन का खड़े होकर मज़ा लेंगे, अब पूरा ऑफ रोड का मज़ा लेंगे, हिमालयन का झटके लग रहे हैं अच्छे खासे, बैठे बैठे खड़े होकर मज़ा लेंगे हिमालयन का पूरा। हिमगिरी एक्सप्रेस जा रही है हमारे आगे, और हाँ जाम मिलेगा अब तो मोटा ही, और वो जा रहा केदारनाथ का रास्ता, वो जा रहा केदारनाथ का रास्ता, एक तो इधर मोड़ पे भी ध्यान से मोड़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से मोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से, टोटली ऑफ रोड है बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलो 113 किलोमीटर है, पहले 113 किलोमीटर हमने 12 बजे तक ख़त्म करने किसी हालत में, 2 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर देंगे, कहाँ से होगा, 1 घंटे में हम 30 किलोमीटर चल रहे हैं, कहाँ से हो जाएगा यार, थोड़ा रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी तभी बात बनेगी।